नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम दक्षिणे काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा, क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम शमशान काले के क्रीम 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 रीम रीम ओम ओम स्वाहा। अब यहां हम काली कवच का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद मां काली के इस कवच का यहां उच्चारण कर रहा हूं। यह मां मां काली का कवच। ओम जय श्री मां मां काली, जय महाकाली, ओम जय श्री महाकाली। कैलाश शिखरारूढ़ शंकरं वरद शिवं प्रणम्य पार्वती देवी परिप्रच्छति सादरं। श्री पार्वती उवाच, भगवन्देव देवेश देवानां भोगद प्रभो, ब्रवूहि मे महादेव गोप्यं यद्यपि च प्रभो, शत्रुणां येन नाश्या दात्मनो रक्षणं भवेत्। परमैश्वर्यं अतुलं लभेत येन तद्वदा। श्री भैरव वाच। तो भैरव जी ने यहां पर जो कहा, अब आप उसे सुनिए। वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदांबरे, अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम, विशेषतः शत्रु नाशकरम रक्षाकरम नरणाम। सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम, सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमुत्तममम, शत्रु संग शयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता, दुखिनो ज्वरिणि चैव स्वामीष्ट प्रतता इस्तथा। वक्ष्यामि ते महादेवी सर्वधर्म विदांबरे, अद्भुतम कवचम देव्या सर्व काम प्रसादनम, विशेषतः शत्रु नाशकरम रक्षाकरम नृणाम, सर्वारिष्ट प्रशमन अभिचार विनाशकम, सुखदम भोगदम चैव वशीकरणमुत्तममम, शत्रु संग शयम यान्ति भवन्ति व्याधि पीड़िता, दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता स्थिता। दुखिनो ज्वरिणं चैव स्वामीष्ट प्रत्युता इस्ततः। अस्य श्री श्री कालिका कवचस्य भैरवर्षि गायत्री छंद, श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरवर्षि गायत्री छंद, श्री शमशान कालिका देवता शत्रु संगनाशे विनियोगः। अब ध्यान करते हैं मां महाकाली का ध्यान मंत्र है।
ध्यायेत कालिम महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं ध्यायेत कालिम महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लोल जिह्वां पूर्ण चंद निभाननाम चतुर्भुजां लोल जिह्वां पूर्ण चंद्र निभाननाम नीलोत्पल दल प्रख्याम शत्रु संग विदारिणीम नरमुंड तथा खंगम अभयम वरदम तथा नरमुंडम तथा खंगम अभयम वरदम तथा विभ्राणाम रक्त नयानाम दंष्ट्राम निर्घोर रूपिणीम अट्टाटहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम अट्टाटहास निरताम सर्वदा च दिगंबराम शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला विभूषिताम शवासन स्थिताम देवी मुंडमाला विभूषिताम। अभी स्तोत्र का उच्चारण कर रहा हूं, इसका बच्चे स्तोत्र का कालिका घोर रूपाढ़्या सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हें हेरेम ह्रीम स्वरूपिणी जय हिराम राम ह्रूम स्वरूपिणी तथा हेरेम राम छाउं छाउं स्वरूपाम सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देव भाव बंद विमोचिनी हस कल ह्रीं स्वरूपासो रिपुंसा हंतु सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमारेन्द्री च चामुंडा पाद चैव मम द्विष सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला धृतांग घृतांगी च सर्वत पात माम सदा कालिका घोर रूपाढ़्या सर्व काम प्रदा शुभा सर्वदेव स्तुता देव शत्रुनाशम करो तुम्हे ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी चैव राम राम रूम स्वरूपिणी तथा ह्रीं राम छौं छौं स्वरूपा सा सदा शत्रु प्रशास्तु मे श्रीं ह्रीं ऐं रूपिणी देव भव बंध विमोचिनी हास काला ह्रीं स्वरूपासो रिपुंसा हंतु सर्वदा यथा शुंभो हतो दैत्यो निशुंभस्य महासुरा बैरिनाशाय वंदे ताम कालिकाम शंकर प्रियाम ब्राह्मी शैवी वैष्णवी च वाराही नारसिंहिका कौमारेन्द्री च चामुंडा पात च मम दिश्व सुरेश्वरी घोर रूपा चंडमुंड विनाशिनी मुंडमाला गर्तांगी च सर्वता पात माम सदा
स्वाहा कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्थाने मम सर्व शत्रु मम सर्व विरोधी मम सर्व शत्रुन मम सर्व विरोधी खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे बिंद बिंद छिंद छिंद उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। हेरीम हिरीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावर्त स्थाने मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन खादय खादय हिंसय हिंसय मारे मारे भिन्न भिन्न छिन्न छिन्न उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रुम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मुहय मुहय हर हर। मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रुन ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मोहय मोहय ज्ञात धानन चामुंडे सर्वजनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य गुरु कुरु तन तन धान्यम धन्न श्वान गजान रत्नान दिव्य कामिनी पुत्रान पौत्रान राजश्रियम देहि दे यच्छ यच्छ रक्षक्ष। ओम श्याम क्षीम शुम शैम शौम शै स्वाहा। हेरीम हिरीम कालिके घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पूर्ण वक्त्रे रुधिरावृत स्थाने मम सर्व विरोधीन सर्व शत्रु खादय खादय हिंसा हिंसा मारय मारय भिन्द भिन्द छिन्न छिन्न उच्चाटय उच्चाटय द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। वाम वीम कालिकाय मदीय शत्रु समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किर किर किट किट कट कट मर्दय मर्दय मुहय मुहय हर हर। मम सर्व विरोधी सर्व शत्रु ध्वंसय ध्वंसय भक्ष भक्ष त्रोटय त्रोटय मोहय मोहय यात धारण चामुंडे सर्वजनान राज्यो राजपुरुषान स्त्रियो मम वश्य कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धन्नम अश्वान गजान रत्नान दिव्य कामिनी पुत्रान पौत्रान राजश्रियम देहि देहि यच्छ यच्छ रक्षक्ष। ओम श्याम क्षीम क्षुम शैम क्षौम क्षै स्वाहा। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शम्मुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम नश्यन्ति शत्रव बैरिणाम प्रलयम यान्ति व्याधितस्य भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रव तस्य सर्वदा सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याणि सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितम् शमशानांगार मादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नत पादोदकेन पिष्टवाच लिखे लोह शलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसाम स्थता हस्तम दत्त्वा घाये कवचंतु स्वयं पठेत शत्रु प्राण प्रतिष्ठान्त कुर्यान मंत्रेण मंत्रवित हृदयास्त्र प्रहारेण शत्रु गच्छेत यम क्षयम् ज्वलितांगारतापेञ्ज्वरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादे दरिद्रो भवति ध्रुवम् बैरिनाशकरम् प्रोक्तम् कवचम् वश्यकारकम् परमेश्वर्यदम् च पुत्रपौत्रादिवृद्धिदम् प्रभात समये च पूजा काले विशेषत सायंकाले तथा पाठा सर्व सिद्ध भवे ध्रुवम शत्रुरुच्चाटनम यात देशांच विच्युतो भवेत पश्चात किंकृतामेत सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देव सर्व संपत् करे शुभम सर्वदेव स्तुते देव कालिके त्वाम नताम्यहम। इत्येत कवचम दिव्यम कथितम शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा भक्त्या ध्रुवम नश्यन्ति शत्रुव बैरिणा प्रलयम यान्ति व्याधितश्च भवन्ति हि धनहीना पुत्रहीना शत्रुव तस्य सर्वदा
सहस्र पठनात् सिद्धि कवचस्य भवेत् तदा ततः कार्याण सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषिताम्। शमशानांगारमादाय चूर्ण कृत्वा प्रयत्नतः पादोदकेन पिष्टवाच लिखिल लोह शलाकया भूमौ शत्रुहीन रूपानुत्तराम शिरसांस्तथा हस्तम् दत्त्वाद्घाये कवचन्तु स्वयं पठेत् शत्रौ प्राण प्रतिष्ठान्तु कुर्यान् मन्त्रेण मन्त्रवित् हृदया हन्यादस्त्र प्रहाणेर शत्रुर्गच्छेत् यमक्षयम् ज्वलितांगार्तापेन्जुवरी भवति तादृश प्रोक्षणैर्वाम पादेन दरिद्रो भवति द्रवं वैरिनाशकरं प्रोक्तं कवचं वश्य कारकं परमेश्वरदय परमेश्वर्यदं चैव पुत्रपौत्रादि विरुद्धिदं प्रभात समये च पूजा काले विशिष्ट सायंकाले तथा पाठात् सर्वसिद्ध भवेत् ध्रुवम् शत्रुरुच्चाटनम् ज्ञात देशाच्च विच्युतो भवेत् पश्चात् किंकर्तामेद सत्यम सत्यम न संशय शत्रुनाश करे देव सर्व संपत् करे शुभे सर्वदेव स्तुते देव कालिके त्वाम् नताम्य अहम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये मां महाकाली का कवच था। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। ओम दुम दुर्गाये नमः। नमः चंडिकाये। आज हम आपको पूजा पाठ ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र आदि में उपयोग की जाने वाली या साधारण ग्रस्थों वाला अपने घर में रखी जाने वाली कुछ विशेष दुर्लभ सामग्री जो कि उपलब्ध नहीं होती आसानी से, तो कतई उपलब्ध नहीं होती, भाग्यवश उपलब्ध होती हैं, दैवीय कृपा से उपलब्ध होती हैं, ईश्वरीय कृपा से उपलब्ध होती हैं। ऐसी कुछ चीज़ों की झलक यहाँ इस फिल्म में कुछ चीज़ों की दिखाएंगे। इस पर पूरी फिल्म हम अभी नवरात्रि में ही आगे लाएंगे, जिसमें बहुत सी चीज़ों का परिचय देंगे इन चीज़ों के अलावा, जैसे अभिमंत्रित धूप बत्ती, अभिमंत्रित धूप बत्ती, अभिमंत्रित अगरबत्तियाँ और अभिमंत्रित अंगूठियाँ, चांदी के छल्ले, तांबे के छल्ले, सोने के छल्ले, कड़े, तांबे का कड़ा, चांदी का कड़ा, सोने का कड़ा, इनका अभिमंत्रित स्वरूप। इसी प्रकार से जो अभिमंत्रित धूप दीप, अगर वो धूप जो रहती है धूप बत्ती या अभिमंत्रित अगरबत्ती जो रहती है वो अलग अलग प्रकार की रहती है, जैसे कि आपका जैसे भैरव के जंजीरे से अभिमंत्रित की गई हो, या मान लीजिए काली का जो शत्रुनाशक प्रयोग है उससे अभिमंत्रित की गई हो, या महाविद्या के किसी भी विद्या से अभिमंत्रित की गई हो, तो महाविद्याओं की अलग अलग महाविद्या की अलग अलग अभिमंत्रित अगरबत्ती रहती है या धूप बत्ती रहती है।
इसी प्रकार से दसों महाविद्या की एक बनाई जाती है, वो अलग प्रकार की रहती है। तो ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, कड़े या छल्ले, ये जो है इनका भी परिचय देंगे। और इनके मूल्यों का जहाँ तक सवाल है, तो मूल्य हम यहाँ इस फिल्म में नहीं प्रदर्शित कर रहे, लेकिन जो फिल्म इन पर पर्टिकुलर विशेष रूप से इसी विषय पर आएगी, जो अभी आएगी, उसमें हम प्रयास करेंगे कि 3 महीने तक का मूल्य, क्योंकि इनके मूल्य बदलते रहते हैं, उपलब्धता बदलती रहती है, कभी कभी ये पाना बड़ा दुर्लभ हो जाता है और कभी कभी ये मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से केवल 3 महीने के दाम बता पाएंगे, क्योंकि इनके दाम बदलते रहते हैं और उपलब्धताएं बदलती रहती हैं, कभी कभी उपलब्ध नहीं ही होते, कभी कभी उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत घूमना फिरना पड़ता है जंगलों में और दूसरी जगह पे या और मंदिरों पर, तो काफ़ी मशक्क़त से ये चीज़ें हासिल होती हैं, उसी हिसाब से इनके दाम निर्धारित रहते हैं। और जहाँ तक कामिया सिंदूर का सवाल है, तो कामिया सिंदूर डायरेक्ट किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और इसको सिर्फ लॉकेट रूप में, यानी कि पेंडल में या लॉकेट में ही, मात्र कोई एक टुकड़ा छोटा सा, बहुत बारीक टुकड़ा, वो बस दिया जाएगा, क्योंकि इतने लोग हैं देश में और इतना मैसेज और इतना वो संदेश आता है, तो हर किसी को नहीं दिया जा सके, ये उपलब्ध नहीं, बहुत मामूली उपलब्ध होता, वो भी एक विशेष समय पर ही उपलब्ध होता है, और उसमें भी भाग्यवश उपलब्ध हो जाए और नहीं हो न हो, तो ये रहता है। तो लेकिन चूंकि हम जरा मंदिरों से जुड़े हुए हैं, नज़दीकी से, विशेषकर माँ भवानी से और ईश्वर से थोड़ा सा निकटता है, इसी प्रकार से रुद्राक्ष हैं, तो रुद्राक्षों का हम यहाँ 5 मुखी का चित्र और फोटो, या 4 मुखी भी हैं उसमें कुछ, 3, तो 5 मुखी का हम फोटो और वीडियो यहाँ पे अपनी आने वाली फिल्म में दिखाएंगे, तो उसके क्या फल हैं और क्या उपयोग हैं ये सब भी बताएंगे, हर चीज़ का फल उपयोग भी बताने का प्रयास करेंगे। और वैसे एक